यहाँ पर हम एक पेंटिंग एग्जीबिशन कर रहे हैं, कुछ आर्टिस्ट मिलजुल के कर रहे हैं। हम 6-7 आर्टिस्ट हैं, जैसे शाजिया जी हैं, इफ्तकार जी हैं, उरफान जी हैं और सबरी, राहिला, यस, एंड ऑल आर प्रोफेशनल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, लाइक दे आर डॉक्टर्स, दे आर बैंकर्स, दे आर इंजीनियर्स, दे आर इनटू टीचिंग, और डिफरेंट प्रोफेशन के लोग होते हुए भी दे आर फॉलोइंग द सेम पैशन। तो हमारा जो बेसिक मोटिव है वो ये है कि हम वी शुड कीप आर पैशन अलाइव, और अपने जो भी हमारी हॉबी है हम उसके ऊपर काम करते रहें। जो लोग विद इन अ बाउंड्रीज काम करते हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कश्मीर की छवि कुछ इस तरीके की थी कि बीच में आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सप्रेस हो गया था, तो हम उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, कि जो भी आप में, बिकॉज हर, मैंने यहाँ पर हर घर में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी देखी है, तो उसको बाहर लाने का एक इनिशिएटिव हमने लिया है। एंड शाजिया, आप कुछ कहना चाहेंगे? आर्ट ग्रुप इज नोन एज अ सेकेंड लाइफ्स आर्ट गिल्ड, वो इसी वजह से क्योंकि वी आर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आर फॉलोइंग आर ओन प्रोफेशंस, और साथ में हम अपना पैशन भी परस्यू कर रहे हैं, तो एवरीबडी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट देयर वर्क्स। आप देख सकते हैं सारा, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। हमारे को एक तो मॉल के जो मालिक है फारूक साहब, उनका भी बहुत सपोर्ट मिला, और रेड FM जो है वो हमारे पार्टनर्स हैं यहाँ, मतलब सपोर्ट की कोई कमी नहीं है हमें। आई थिंक दीपा जी, मीडिया पीपल ऑल्सो, सब लोग हमें अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है अच्छा यहाँ पे हमारा ओकेजन जाएगा। इवन लोकलाइट्स आर कमिंग एंड गेटिंग इंस्पायर्ड, तो दैट वाज आवर मेन मोटिव। तो वो भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से लोग यहाँ आके कुछ इंटरेक्शन करके हमारे साथ जा रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है।